तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर संस्कृत मॉडल पेपर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर संस्कृत का भी कोई मॉडल पेपर बनाइए। तो फाइनली आज मैंने मॉडल पेपर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, तो आपको वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है। आज की इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्या क्वेश्चन होते हैं, पूरी जानकारी जानेंगे, तो आपको वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है, ठीक है। ये आप लोगों का प्रथम प्रश्न पत्र है, नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो होगा सेकेंड प्रश्न पत्र का, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 1, 2, 3 नंबर आप लोग खुद ही देख सकते हैं। एक क्वेश्चन में 10 आप लोगों के टोटल सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन जो सारे क्वेश्चन हैं ये एक एक नंबर के हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना फिर उसका आंसर देना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं 100% ये नहीं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आएंगे ही, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि सर आपने जो बताया वो आया ही नहीं एग्ज़ाम में, पूछा ही गया नहीं जाता है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को कहने से, क्योंकि मैं आप लोगों को ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आएंगे, बट इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो प्रत्याहार किसे कहते हैं इसका आंसर देना है आप लोगों को। उसके बाद दूसरा है, संप्रसारण क्या है? अगला क्वेश्चन है, टी किसे कहते हैं? संयोग क्या है, ठीक है। इस कृष्णा में विग्रह कीजिए, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वहाँ कौन सा समास होता है? त्वया मया तेन युषम्भित वह पुस्तकाम पठंतम को कर्तवाच्य में बदलो। और अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक में किस विभक्त का प्रयोग होता है? फिर अगला है, बिना के योग में किन विभक्तियों का प्रयोग होता है? नीलोत्पलम में क्या समास है? जो भी संस्कृत के स्टूडेंट हैं जिन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है अपने एग्ज़ाम में, तो उन लोगों का जो इसका आंसर है वो सिर्फ एक लाइन में आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप डीपली पूछ कर लिखें 1, 2, 3 पेज, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक ही नंबर का है। बस प्रत्याहार किसे कहते हैं ये आपको ऊपर ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, उसके बाद उसको लिख देना है क्या कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ के अच्छे से उसमें लिख दीजिएगा। इन सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ गई हैं तो उसे परचेज कर लीजिए, उसमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आई हैं तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, मार्केट में आप लोगों को सीरीज मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 5 सूत्रों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप लोगों को कितने मिलेंगे, 2, 4, 6, 7, ठीक है। 7 इसमें आप लोगों को सब क्वेश्चन हैं, तो 7 में से आपको 5 की व्याख्या करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र के साथ किन्हीं 5 में विभक्ति निर्देश कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है, सूत्र के साथ किन्हीं 5 में, इसमें भी आपको 7 देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 5 का ही आप लोगों को विभक्तियां का निर्देश करना है, ठीक है। अब दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरा फुल मॉडल पेपर है, इस जितने भी पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं, पिछले ईयर का मॉडल पेपर है, तो इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो PDF है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कोई करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में हमें बताइएगा। डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा फेसबुक पेज भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, जिससे भी ज्वाइन हो जाइए, मैं उसका सलूशन दे दूँगा कि आप कैसे क्या प्रोसेस होता है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आप लोगों को 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 10 का ये होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सशस्त्र विभक्त निर्देश करें, ठीक है। तो इन सब में आप लोगों को सशस्त्र विभक्त निर्देश करना है, या आप लोगों को सब क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये सब आप लोगों को 2-2 नंबर के हैं, ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि
अगर आप अच्छे देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए आपको ध्यान देना है। ये सब संस्कृत वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत के बहुत कम स्टूडेंट होते हैं संस्कृत के भी, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत का भी बनाइए सर, तो मैंने फाइनली बना दिया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच तृतीय रूप की सिद्ध कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से पाँच तद्वितीय रूप की सिद्धि कीजिए। देखो संस्कृत जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, आपको पता ही होगा, ये भी आप लोगों को दो दो नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन समास करें, इन लोगों का आप लोगों को समास करना है। अगला क्वेश्चन छः नंबर है, रूप सिद्धि करें, रूप सिद्धि आप लोगों को करना है, वाक्य अनुवाद करना है, जो आपको सेंटेंस देख रहे जैसे कि हिंदी इंग्लिश में हिंदी बना रहा होता है या हिंदी से इंग्लिश, उसी तरह संस्कृत से इसको आप लोगों को हिंदी में बनाना है। सब जितने भी दिए गए हैं, पत्रिणो भजेनो सुवा जलम वर्तते, दूसरे से दो बार पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है संस्कृत में, और जो संस्कृत में उसे किस में कन्वर्ट करना है, हिंदी में, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सब आपको कन्वर्ट करने है। पहले आप जो भी दिया गया इसका इसको लिखिएगा, उसके बाद आप ब्लू पेन से नीचे लिख दीजिएगा उसका जो भी अनुवाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। अब इसमें से आपको चार तीन ऑप्शन दिए गए, इनमें से आप लोगों को किसी एक पे निबंध लिखना होगा, वो भी संस्कृत में। तो आपको जो अच्छा लगे या भी आप लोगों को जिसके बारे में नॉलेज हो उसके बारे में आप निबंध लिखिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को पाँच नंबर का होगा। तो यानी आपको इसको दो पेज में ढाई पेज में लिख देना है निबंध, ठीक है। तो दोस्तों यही सब आप लोगों तक पहुँचानी थी पीडीएफ और क्वेश्चन बताने थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप सेकेंड प्रश्न पत्र चाहते, यानी ये तो प्रथम प्रश्न पत्र था संस्कृत का, अगर आप सेकेंड प्रश्न पत्र चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के अदर भी कोई अगर मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, और चैनल पर जाके बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।